से हम लोग जाएंगे मेरे साथ हमजा जहां से आलमगीर सो गाइस आज हम आपके एक और जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। वीडियो है जी टॉप 10 चीपेस्ट कार्स विद द सेल्स इन इंडिया ओके 2021। चीपेस्ट कार कौन कौन सी होगी मैं तो ये सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। चलें जी देख लेते हैं कौन कौन सी गाड़ी आती है। वैसे मैंने ये अंदाजा लगाया कि इंडिया के अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें बहुत इनके सस्ती मिलती हैं और वो भी फुल फंक्शंस। हाँ फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है वैगन आर का जैसे कंप्यूटर होता है ठीक है आपके पास जो है वैगन आर है उसका कंप्यूटर में नेट पे सर्च किया था जहाँ से हमने इंडियन कंप्यूटर क्योंकि उनका तकरीबन सेम ही होता है कंप्यूटर गाड़ियों में भी कंप्यूटर होता है इसी उसकी कंप्यूटर की बात ईसीयू की बात कर रहे हैं बेसिकली ईसीयू गाड़ियों का जो ईसीयू होता इंजन कंट्रोल यूनिट ठीक है जी तो उसकी बात कर रहे हैं तो वो हमने पता किया तो इंडिया में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए का मिल रहा था पाकिस्तान का है ना और पाकिस्तान में 20000 से 25000 का और पाकिस्तान में 20 से 25000 का ओल्ड वाला तो खुद अंदाजा लगा लें कि वहाँ पे क्या हिसाब था। तो देखते हैं वीडियो या 50000 का मिल गया 25-30 के हिसाब से 50 ना के वो उनको 50 का मिलता है जो बिल्कुल ही जो लेने वाले होते हैं दूसरे जो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट वाक भी देख ले 1 2 3 लेट्स स्टार्ट तो चलते हैं आज हम जानेंगे वीडियो की तरफ कह दिया हमने चलते हैं आज हम जानेंगे इंडिया में सस्ती गाड़ियों की सेल्स यानी कि जो गाड़ियां सस्ती हैं यानी कि चीप कार्स उनकी सेल्स जानेंगे कितनी बिकी है नवंबर में पिछले महीने। तो प्लीज प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। दसवें नंबर पर सिलेरियो आई है यानी कि सभी गाड़ियां सिलेरियो से सस्ती बैठेगी। 5 सीटर हैचबैक गाड़ियां नवंबर के महीने में 5698 यूनिट बिकी है जो कि काफी अच्छी यूनिट बिकी है। पेट्रोल इंजन में मिलती है ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक शोरूम कीमत 4,99,000 से शुरू होती है। हाँ बनती है अपनी मारुति वालों से बनती है। सिलेरियो से सस्ती है 5 सीटर हैचबैक गाड़ी है नवंबर के महीने में 16,853 यानी काफी अच्छी बिकी है। गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन 1 लीटर एक और मिलता है 1.2 लीटर एक शोरूम कीमत 4,93,000 से शुरू होती है। फिर आइए सेंट्रो 5 सीटर हैचबैक गाड़ी है हैचबैक की गाड़ी आएंगी इस लिस्ट में सभी। नवंबर के महीने में 2,141 यूनिट बिकी है ये वैगनार की कॉम्पिटिटर है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में 1.1 लीटर एक शोरूम कीमत 4,76,000 से शुरू होती है। हमारे हाथ में बहुत पुराने मॉडल वाले ये 5 और 7 सीटर मिनी वैन गाड़ी है नवंबर के महीने में 9,571 यूनिट बिकी है पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर कीमत 4,30,000 से शुरू होती है। नवंबर के महीने में 1 भी यूनिट नहीं बिकी है सस्ती है लेकिन बिकी नहीं है पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 4,25,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती है। एक यूनिट भी नहीं बिकी है क्या मतलब
तो कम बता रहे थे कि भाई देख रहे हम लोग नवंबर के महीने में 926 कारें बिकी है। पेट्रोल इंजन पेट्रोल में दो इंजनों का ऑप्शन, एक 800 सीसी का एक 1000 सीसी का। एक शोरूम कीमत 4,11,000 से शुरू होती है। ये पंक्चर में है नहीं, अगर होगी तो मेरे 20 लाख की होगी। सही बात, टैक्स लग गया। फिर डैटसन को 5-सीटर एचबैक गाड़ी नवंबर के महीने में एक भी यूनिट नहीं बिकी है। पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, एक शोरूम कीमत 4,02,000 से शुरू होती है। डैटसन की गाड़ी भी बिकी है, क्या कह रहे हैं पिछली वाली भी नहीं बिकी, ये भी नहीं बिकी, बढ़ाई जा रहा है, देख ले रहे हैं क्या खरीदार नहीं है। फिर डैटसन रेडी को 5-सीटर हैचबैक गाड़ी है, नवंबर के महीने में 259 कारें बिकी हैं। पेट्रोल इंजन एक 800 सीसी वाला, दूसरे वाला 1000 सीसी वाला। एक शोरूम कीमत 3,83,000 से शुरू होती है। सस्ती गाड़ी है जी, मेरा 3,83,000 खेला क्या है पेट्रोल इंजन 1 लीटर वाला, एक शोरूम कीमत 3,78,000 से शुरू होती है। फिर मारुति अल्टो 800 सबसे सस्ती कार यही है, 5-सीटर कार है, नवंबर के महीने में 13,812 यूनिट बिकी है। पेट्रोल इंजन 800 सीसी में 0.8 लीटर वाला, एक शोरूम कीमत 3,12,000 से शुरू होती है। 4,10,000 की आखिर हमें भी ऐसे मिल जाती है। 4 लाख की है देख रहा था, होंडा सिटी थी GM ऐसी हुई पड़ी थी, मिली हुई थी ठीक है, दोनों तरफ से आगे पीछे से यूं ऐसे, तो लोग उसका रेट लगाया होता कि कितने की लेंगे लोग, 5-5 लाख रुपए रोड लोग रेट लगा रहे थे, दबी हुई है दोनों तरफ से, ऐसे मिली हुई थी उसका रेट लगा रहे थे कि हम 5 लाख की ले लेंगे। नाम है ना सर, नाम की कीमत होती है, नंबर की कीमत नहीं, असल नंबर था चेसी नंबर के पैसे थे, वही बात तो वही होगी ना भाई, समझ आ रही है। अच्छा, चेसिस के पैसे थे कि कम से कम उसका चेसिस यूज करके ना गाड़ी तैयार हो जाएगी, छत बोनट रेडी की, दरवाजे इंजन नया लग जाएगा, ठीक है 5-7 लाख रुपए ऊपर लगा के 12 लाख रुपए की पड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर गाड़ी नमी, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है ना उसकी वो प्राइस कम ही होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आप 20 लाख की गाड़ी बना लेंगे, 24 लाख की गाड़ी बना लेंगे तो कटवट लगे, 12 लाख की बनेगी ना तो मेरे ख्याल से वही गाड़ी जो है ना वो 15-16-17 की चल जाएगी। असल मसला ये है कि पूरी की पूरी हाफ कटे, पूरी पूरी कटे मिल जाती है ना गाड़ियों की, इस वजह से पता नहीं, पूरी पता है वो बिलालगंज में जाएंगे उन्होंने जी पूरी कट ले, हाफ कट पूरी लेनी है, पिछली साइड की वो छत पूरी पूरी पिलर के साथ ही जो है ना पता ही नहीं, पूरी पिलर के समाज बस वहीं पे होगा, जो पिलर होते हैं ना वहीं पे वो पिलर जो है ना वेल्ड होंगे, वो भी पता नहीं चलता साइडों पे, वो वेल्ड होके उसके बाद वो जो है ना वो कर देंगे, वॉश कर देंगे बिल्कुल साफ, रगड़ रुगड़ के सीधा पतरा करके लाओ जी, पता भी नहीं चलेगा पेंट हो जाएगी खत्म, बस यही पता लगेगा पेंट हुई।
जो हमारे जैसा जाएगा वो रगड़ा जाएगा, वाह बहुत प्यारी गाड़ी है, साफ सुथरी जो सेल परचेस वाला काम करता है सिर्फ वो उसको पता, उसको पता या तो होता है। जो डेंटर लेके जाते हैं पेंटर साथ लेके जाते हैं, देखो कहीं से हुआ तो नहीं हुआ, हाँ उनको पता लग जाता है गाड़ी तैयार हुई, क्योंकि पेंटर जो होता है उसे पता होता है यार ये पेंट है या नहीं। पेंटर को तैयार पता होता है और डेंटर को पता होता है कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, और उन लोगों को भी पता होता है जो पेंट लगवाते रहते हैं बस शोरूम में जो गाड़ी तैयार शोरूम करते हैं। वगैरह तैयार करते हैं, जिनका गाड़ी का काम है बस सेल परचेस का। सही बात है। सो गाइस बहरहाल बहुत ही मैं साफ लगाया कि जो है ना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट है गाड़ियों गाड़ियों के मामले में, गाड़ी रखने के मामले में, कि बहुत सस्ती गाड़ी मिल जाती है। आपको शायद महंगी लगती हो लेकिन हाँ आपने फिर शायद देखा नहीं हो। पाकिस्तान का नहीं देखा कि पाकिस्तान में गाड़ी कितनी महंगी है, हाँ यूज यूज 10 10 साल 15 15 साल यूज करके गाड़ी 15 15 लाख की बेच रहे होते हैं, सही बात है, 10 10 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे होते हैं। सही बात है। 10 साल यूज गाड़ी, 10 साल यकीन माने मैं अब आपको क्या बताऊं, 2007 मॉडल हुंडई सेंट्रो आज भी 8 लाख रुपए की मिल जाती है, बड़ी जर्मन टोटल जर्मन। जर्मन में अच्छा, भाई 8 लाख। नहीं, दो दरवाजे पेंट है ठीक हाँ है, और आप पता है बम्पर बम्पर जो तो लगते ही रहते हैं वो तो पेंट वही है कह ना, रहे हैं टैक्स बड़ा लगता है हमारे पाकिस्तान में, मुझे ठीक बात है, है ना, तो खुद अंदाजा लगा इंडियन लें, टैक्स सात सात लगता आठ आठ 8.5 8.5 9 9 लाख रुपए की गाड़ी सेंट्रो बिक रही है। है। और वो कितना मॉडल, 10 साल पुरानी, सर नहीं 14 साल पुरानी, 14 साल पुरानी, और वहाँ लेटेस्ट मॉडल 4 5 लाख का मिल रहा हाँ। लेकिन लोग वो लोग अभी पूछ रहे हैं यार सेंट्रो बिक रही है। हाँ वहाँ पर लोग आते हैं सेंट्रो है। मुझे बस में एक बंदा टकरा था, कहते हैं हमें सिटी चाहिए, हम मिले तो बिलाल बता रहे, मैंने दिया समझे यार वो कल परसों वो बाबा आया नहीं था होंडा सिटी वाला, हाँ वो उसके खड़े खड़े हमारे सामने 3 बंदे पूछे पैन कटी बेचनी, चाहे तो नहीं भेजी, कहना यार मैं नहीं बेचनी, मैं थोनू कह रहे नहीं बेचनी, वो सिटी कौन सा मॉडल है, होंडा सिटी 2007 मॉडल, ठीक है 2007 मॉडल होंडा सिटी, बिल्कुल सही थी जनरल थी, हाँ बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी थी भाई, इस वजह से तो लोग डिमांड थी। हाँ तो वो 2007 मॉडल और मेरे ख्याल में कोई 15 16 लाख रुपए की गाड़ी थी वो उसके मुताबिक। सो गाइस ये था वीडियो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना, जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी बोल।